हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास आया है आसूस वीवो बुक स्लिम लैपटॉप है, बहुत ही स्लिम होता है और इसका मॉडल जो है A513EA होता है इसका मॉडल। इसमें प्रॉब्लम क्या है हम आपको दिखाते हैं। इसकी स्क्रीन ब्रेक हो रखी है, यदि आपको वीडियो में नजर आ रखा होगा तो ये निशान आए हुए हैं स्क्रीन पे, ये स्क्रीन ब्रेक हो रखी है। इसमें लिक्विड वाली ये स्क्रीन नहीं होती है, OLED होती है ये। इसमें लिक्विड डैमेज वाला नहीं नजर आ रहा है, हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, पर ये बाहर से फिजिकल हमें टूटी हुई नजर आ रही है। तो इसमें क्या कौन सी स्क्रीन होती है, इसमें OLED होती है, एक IPS होती है जो अभी लेटेस्ट है, ये IPS से भी लेटेस्ट स्क्रीन आई है OLED। तो मैं हम आपको डिफरेंस दिखाना चाह रहे थे। इसमें पिन वही होती है, 30 पिन की होती है, 30 पिन की होती है, बिल्कुल सिमिलर, साइज भी सिमिलर होता है, बस डिफरेंस क्या होता है, थिन का होता है, बहुत ही पतली होती है, ये थोड़ी मोटी होती है, इसका साइज ये मोटी है और इसका साइज जो OLED का होता है, हम यही दिखाने के लिए आपको वीडियो बना रहे थे। OLED का साइज बहुत ही थिन होता है, ये आप देखोगे बहुत ही पतला साइज है। और यहीं पे मैं आपको ये IPS दिखा देता हूँ, IPS मोटी होती है, ये पतली होती है, बहुत ही पतली है OLED। तो ये लिक्विड में नहीं, इसमें लिक्विड वाला सीन नहीं होता है, IPS में लिक्विड डैमेज वाला होता है, तो ये बाहर से ही हमें खराब दिखती है। और बहुत ही पतली स्क्रीन ये है, ये मैं बाहर निकाल लेता हूँ, बहुत ही पतली सी आ रखी है आजकल। तो अब ये स्क्रीन आनी शुरू हो गई है, ये 3D 4K तो की सपोर्ट करती है वीडियोस को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये मशीन जो होती है ग्राफिक के लिए मोस्टली डिजाइन की गई ये स्क्रीन होती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमने आपको IPS और OLED के बीच में डिफरेंस बताया। कुछ बंदे हो रहे हैं आजकल कि जैसा हम ही आपको मान के चले कि हम आपके डीलर हैं, तो उसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें स्क्रीन कौन सी लगी हुई है। तो आजकल जो मशीन आ रही है वो OLED आ रही है, और हम पार्ट नंबर कहां से देखते हैं उसके लिए हमें मशीन पूरी इस तरीके से खोलनी पड़ेगी, स्क्रीन बाहर निकालनी पड़ेगी, और स्क्रीन के पीछे जो पार्ट नंबर होता है मोस्टली स्क्रीन का क्लियर वहां से ही होता है। ऐसे आप हम देख के नहीं बता सकते, जब हमारी मशीन पैक है तो कोई बंदा इतनी जल्दी नहीं बता सकता है कि ये OLED है या IPS स्क्रीन है। धन्यवाद।